नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह संसार चमत्कारों से भरा पड़ा है और सबसे बड़ा चमत्कार तो अपने आप में साक्षात मेरे विश्वनाथ बाबा अर्थात कि मेरे काशी के भोलेनाथ हैं। दोस्तों, भोलेनाथ ने समय समय पर भक्तों का उद्धार किया है और जब भी भोलेनाथ के भक्त संकटों से घिर जाते हैं, जब किसी प्रकार की परेशानियों से घिर जाते हैं, तो दोस्तों हमेशा बाबा महाकाल ने किसी न किसी तौर पर अपने भक्तों की सदैव मदद की है। तो दोस्तों, आज भी हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जो कि काशी विश्वनाथ अर्थात कि वाराणसी के पास ही एक छोटे से कस्बे रामपुर के अंदर घटा था, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए कि आखिर बाबा नहीं होते। तो दोस्तों, अनेक प्रकार से उस भक्त की जान चली जाती। ऐसा चमत्कार दोस्तों, जब हमने आपको नागिन की कहानी बताई थी, जब नागिन की कहानी बताते समय हमने आप लोगों से पूछा था अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें बताएं, निश्चित तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वाराणसी के पास एक छोटे से कस्बे रामपुर में रहने वाले विजय शर्मा की कहानी। दोस्तों, विजय शर्मा का जन्म रामपुर के अंदर ही हुआ था और दोस्तों वह जब से छोटे थे तब से वह काशी कई बार पैदल भी गए और हमेशा उनकी भोलेनाथ के प्रति आस्था रही है। उनके गांव में से गंगा नदी होकर निकलती है और उनकी जन्म से ही जब वह उन्होंने पैर संभाले तब से उनकी दिनचर्या रही है कि वह नदी स्नान करते थे और नदी स्नान के करने के तत्पश्चात नदी का जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाते और भगवान शिवलिंग के अलग अलग मंदिरों के अंदर जाकर कभी 11 तो कभी 21 शिवलिंग के अंदर जाकर नदी का जल अर्पित करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, कावड़ यात्रा हो या किसी प्रकार की कोई भी प्रकार का भोलेनाथ का उत्सव हो, उसके अंदर भाग लेकर अपने आप को धनी भी मानते थे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, विजय जी ने बताया कि वह नदी के अंदर ऐसे ही जब गर्मी का आनंद था तो गर्मी के अंदर नदी के जल का आनंद लेने के लिए, स्नान करने के लिए दोपहर के समय अचानक नदी के अंदर उनके मन के अंदर ख्याल आया और वह नदी के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, उनके साथ उनके दो दोस्त भी थे, एक तो दामोदर और दूसरे पुरुषोत्तम। दोस्तों, वह अपने दोनों दोस्तों के साथ नदी स्नान को चले जाते हैं। दोस्तों, उस समय उनको लगा कि नदी का बहाव आज बहुत तेज है, लेकिन उन्होंने अपने मन के अंदर उस बहाव को दरकिनार करते हुए नदी का आनंद लेने का मन ही मन दोनों सोचने लगते हैं और दोस्तों वह नदी स्नान के लिए नदी के अंदर उतर पड़ते हैं। दोस्तों, दामोदर और पुरुषोत्तम तो जैसे ही अपने कपड़े उतारते हैं उससे पहले ही दोस्तों विजय जी तो नदी के अंदर चले जाते हैं और दोस्तों बहाव तेज होने की वजह से लहरों के साथ विजय जी आगे चले जाते हैं। तब दामोदर और पुरुषोत्तम को अचानक एहसास हुआ कि विजय तो डूबने लगा है। तब वह उन लहरों का सामना नहीं करने पाते हैं, तब वह दौड़कर अपने आस पास, उस समय दोस्तों मोबाइल नहीं था, तब वह अपने दोस्तों को बुलाने के लिए और गाँव वालों को बुलाने के लिए दामोदर और पुरुषोत्तम चले जाते हैं। नौका का इंतजाम किया जाता है और सारे के सारे गांव वाले भी विजय का पता नहीं लगा पाते हैं क्योंकि विजय लहरों के साथ बहुत दूर चले जाते हैं और अब उनको अपनी जो भी आखिरी दिशा थी, आखिरी राह थी, दिखने लगती है। तभी दोस्तों वह देखते हैं कि नदी के मध्य के बीचों बीच ये जब वह भोलेनाथ का जाप कर रहे थे मन ही मन, तब एक साधु महात्मा आते हैं और वह आकर विजय जी का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उन्हें कंधों पर बिठाते हैं और देखते हैं। तब दोस्तों अचानक नदी अपने आप ही कम वेग के अंदर बहने लगती है और नदी का वेग भी कम हो जाता है और जल अपने आप ही शांत हो जाता है। वह उनके गाँव के दूसरी तरफ जहाँ पर लोग थे उसके जस्ट उल्टे किनारे की तरफ विजय जी को उतारते हैं। उतारते ही दोस्तों विजय जी की जैसे ही आंख खुलती है उन्हें सामने वह साधु बाबा दिखाई देते हैं और बस वो कुछ भी कहना चाह रहे थे लेकिन साधु बाबा ने कुछ भी नहीं बोला, बस वह मुस्कुराते रहे और वापस जैसे ही अजय विजय जी संभल पाते अपने आप ही साधु महात्मा अपनी राह की तरफ चले जाते हैं। तब दोस्तों वह अपने आप को किनारे पर पाकर भोलेनाथ
भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करते हैं, भोलेनाथ को मन ही मन याद करते हैं। तब दूर से गांव वाले देखते हैं कि उन्हें एक साधु जाते दिखाई देता है। वह आवाज़ बहुत लगाते हैं लेकिन साधु महात्मा वहां पर पल भर के लिए भी नहीं ठहरते हैं और विजय शर्मा जी की जान के अंदर जान आती है। तब सारे गाँव वाले उठाकर विजय जी से पूछते हैं कि आखिर वह कौन था। तब बोलते हैं, दोस्तों भोलेनाथ के सिवा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, उन लहरों का सामना अगर कोई आम व्यक्ति भी नहीं कर पाता। तब से दोस्तों उनकी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वह घर आकर भोलेनाथ के मंदिर की पैदल यात्रा करते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और उनका जीवन बचाने के लिए आज 20 सालों के बाद भी उनका धन्यवाद करते हैं कि आखिर भोलेनाथ की वजह से उनकी जान बच पाई। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।